दोस्तों, पोई का साग गुणों का खजाना है और बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं ये खून बनाने की मशीन है। तो आज मैं अपनी वीडियो में फिर से लेके आया हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, ये है पोई साग की सब्जी। वैसे तो कई अलग अलग तरीकों से पोई साग को बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। जी हाँ दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल की रेसिपी है जिसे पोई साग के चौचरी बोला जाता है। तो ये बहुत टेस्टी भी लगता है और इसे बंगाल और बिहार में बहुत चाव से लोग खाते हैं। तो एंड तक बने रहिए, चलिए बनाते हैं। हेलो माय डियर फूड लवर्स, स्वागत है मेरे चैनल मील विद माधव पे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिया है 300 ग्राम के आसपास पोई साग। इसे मैंने अच्छे से धो के इसका सारा पानी सुखा लिया है और अब मैं एक एक करके इसके डंठल से सारे पत्तियों को तोड़ लूंगा। वैसे तो पोई साग के अनेकों फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। और दोस्तों, इसे कई जगह खून बनाने की मशीन भी बोला जाता है। तो ये हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा के रखता है, इससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है और इसे खाने से ब्लड प्रेशर भी लो रहता है। तो दोस्तों, है ना ये गुणकारी, तो ये साग हमें हमेशा खाना चाहिए। यह एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर भी है जो हमें कई तरह से इन्फेक्शन से बचाता है। दोस्तों, ये डांट मैंने बचा लिए हैं, इसके कई और रेसिपीज बनते हैं, मैं कभी और शेयर करूंगा। फिलहाल आज मैं पत्तों से बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं सारे पत्तों को पहले अच्छे से कट कर लूंगा। तो देखिए, मैं इसे 3 बैच में कट करूंगा। तो मैं एक बार में जितने पत्ते मेरे हाथ में आए, मैं उन्हें उठाकर इस तरह रफली कट कर लिया हूँ। तो चलिए, इसे एक बॉल में हम रख लेते हैं और फिर दूसरी बार काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं सारे पत्तों को इस तरह रफली कट कर लिया हूँ। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूँ, आप पहले साग को अच्छे से धो ले, उसका सारा पानी सुखा ले, उसके बाद आप इसे कट करें। कट करने के बाद आप ना धोए। अब मैं कढ़ाई गर्म कर रहा हूँ और उसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालकर इसे गर्म कर लूंगा। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं सबसे पहले ये बड़ी फ्राई करूंगा। दोस्तों, बड़ी ये चने की दाल को पीसकर उसे धूप में सुखाया जाता है, उसमें कई सारे मसाले भी पड़ते हैं। तो इसे कई जगह पर बरी, अदौरी, कुंडौरी अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे ये उड़द दाल के भी बनते हैं, चने दाल के भी बनते हैं, मूंग दाल के बनते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, इसे मैं तेल में हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगा और उसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों, उसी तेल में मैं 1 टीस्पून पंचफोरन डालूंगा। पंचफोरन बहुत सारे मसालों को बनाकर मिलाया जाता है। इसमें मेन 5 मसाले मिलाए जाते हैं, जीरा, सरसों, अजवाइन, मंगरेला, सौंफ और मेथी। दोस्तों, ये जब हल्का चटक जाए तो इसमें हम 1 आलू इस तरह रफली कट करके डालेंगे। तो देखिए, मैं इसे 2 मिनट के लिए बस हल्का फ्राई कर लेता हूँ। अब मैं इसमें 100 ग्राम बैंगन डालूंगा कट करके। दोस्तों, ये 1 मीडियम साइज का बैंगन था जिसे मैंने इस तरह कट कर लिया है। दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ पे पम्पकिन भी ऐड कर सकते हैं, जिसे कदीमा बोलते हैं। बस अब इसे 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 टमाटर, 1 मीडियम साइज का टमाटर जिसे इस तरह रफली कट करके मैं डाला हूँ। बस अब इसे आप अच्छे से भून ले, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट आप इसे हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक भून ले। 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं 1 टीस्पून नमक डाल रहा हूँ। दोस्तों, आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। नमक डालने से ये जो सब्जियां हैं ये अच्छे से भून भी जाएगा बहुत जल्दी और जल्दी गलने भी लगेगा। तो चलिए, अब इसमें मसाले डालते हैं। तो मैं 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ। इन्हें फिर से 2 मिनट भून लेंगे
और जब यह अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट। दोस्तों इसमें लहसुन प्याज हम नहीं डालते हैं, ये बिना लहसुन प्याज का बनता है। आप इसमें चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ जिंजर का पेस्ट डाला है। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे। और 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जी के ऊपर अच्छे से मसाले कोट हो जाए। देखिए दोस्तों 50% हमारा सब्जी ऑलरेडी भूनते भूनते पक चुका है। दोस्तों अब हम इसमें कसूरी मेथी के पत्ते डालकर इसमें भून लेंगे, तो बस आप थोड़ा सा एक चुटकी डाल दें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्जी में और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। पांच मिनट के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जी से ऑयल रिलीज होने लगा है, तो बस जो हमने बड़ी फ्राई करके रखा था वो इसमें डालकर हम मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है पोई के साग, वो इसमें हम डाल देते हैं। तो आप अच्छे से कढ़ाई में पोई का साग डाल दें और इसे ढककर हम 5 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए दोस्तों जब हम पोई का साग डाले थे तो कढ़ाई पूरा फुल था, अब ये 50% गल चुका है। दोस्तों ये साग बहुत जल्दी गल जाता है और भूनते भूनते ये एकदम थोड़ा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी से ये भून रहा है। तो चलिए इसे हम ढककर 5 मिनट और पका लेते हैं। देखिए दोस्तों 5 मिनट के बाद साग पूरा अच्छे से गल चुका है और बहुत सारा इसमें मॉइस्चर भी रिलीज हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें बरी डाला हुआ है तो बरी सारी पानियों को सोख लेता है। और बरी को पकने में थोड़ा टाइम भी लगता है, इसलिए इसमें हम 1/2 कप बस पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर हल्के आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों 15 मिनट के बाद जब मैं चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, आलू भी पक गया है और ये देखिए बरी भी मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से टूट रहा है, यानी कि ये अच्छे से पक चुका है। दोस्तों कई बार बरियों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। जब आप बरी के ऊपर पानी डालें, जब आप 1/2 कप पानी डाल के उसे 15 मिनट के लिए जो मैंने कुक करने के लिए बोला है, तो उस 15 मिनट टाइम के दौरान आपको एक बार भी बरी को चलाना नहीं है। ये नहीं कि आप स्पैचुला लेके उसे चलाएं, ये है इम्पोर्टेंट टिप्स, इससे बरिया कच्ची नहीं रहती और ये अच्छे से पकती है। बस दोस्तों लास्ट में थोड़ा धनिया पत्ता देके इसे हम गार्निश करेंगे और ये देखिए हमारा सब्जी बनकर तैयार है, पोई बरी की पोई शाखे चौचोरी। तो चलिए दोस्तों गर्मा गर्म इसे हम सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे रोटी पराठे के साथ खाएं, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में गर्मा गर्म चावल के साथ खाया जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप देखिए मैं आपको एक बरी तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से ये गल गया है, एकदम सॉफ्ट और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आप कब बना रहे हैं पोई साग की ये एकदम स्पेशल सब्जी, ये खाने में बहुत टेस्टी भी है और गुणों का खजाना भी है, तो आप भी बनाइए और इसे जरूर खाइए। और दोस्तों कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ मेरे चैनल मील विद माधव पे,
तब तक के लिए बाय बाय।